स्पाइन सर्जरी से हर कोई पूछना चाहता है। जिस भी पेशेंट को स्पाइन सर्जरी एडवाइस की जाती है वो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि बिना सर्जरी के उनकी बीमारी ठीक हो जाए और उन्हें ऑपरेशन ना करवाना पड़े। नॉन सर्जिकल ऑप्शन में एक ट्रीटमेंट है जिसे हम एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं, जिससे कि पेशेंट को बेनिफिट मिलने की उम्मीद होती है और पेन काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है। लेकिन हर पेशेंट में इफेक्टिव नहीं होता और ना ही इंडिकेटेड होता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन में हम स्टेरॉयड और एनेस्थेटिक एजेंट का मिक्सचर स्पाइन में नीडल से इंजेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट 1 वीक तक आ जाता है और कई मंथ से लेकर 1 साल तक इसका इफेक्ट रहता है और पेशेंट पेन फ्री रहता है। लेकिन सभी स्पाइन के केसेस में इसका बेनिफिट नहीं है। यदि स्पाइन पेन का कारण नर्व का कंप्रेशन है या नस का दबाव है तो इस इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। उन केसेस में सर्जरी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ केसेस में पेन का कारण डिस्क मटेरियल का बाहर निकलना या डिस्क प्रोलैप्स और उस डिस्क प्रोलैप्स से नर्व रूट का इरिटेट होना होता है और MRI में हमें नर्व रूट पे मिनिमल कंप्रेशन शो होता है, उन केसेस में एपिड्यूरल इंजेक्शन बेनिफिट करता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन उस केमिकल को कंट्रोल करता है जो कि नर्व रूट को इरिटेट करके हमें पेन का सेंसेशन फील कराते हैं। तो एपिड्यूरल इंजेक्शन का ऑप्शन पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और MRI की फाइंडिंग को एनालाइज करके कोरिलेट करके एडवाइस किया जाता है।